दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, ब्लूटूथ ड्राइवर जो है विंडोज 7 में कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे ब्लूटूथ ड्राइवर विंडोज 8 के लिए और ब्लूटूथ ड्राइवर विंडोज 10 के लिए। और काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत भी है कि भाई कैसे हम जो है अपना ड्राइवर किसी का दिख नहीं रहा है, किसी का जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी का अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम जो है आपको बताएंगे पूरा सोल्यूशन, ब्लूटूथ ड्राइवर कहाँ से आप विंडो 10 के लिए, विंडो 8.1 के लिए और विंडो 7 के लिए कहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है हमारा ब्लूटूथ ड्राइवर होता कहाँ पर है। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आया था कि भाई मेरा कहीं दिख नहीं रहा है, और दिख रहा है तो अपडेट नहीं हो रहा है या फिर डिसेबल है, एनेबल नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम सभी का जो है सिस्टम का यानी पीसी का जो है या लैपटॉप कंप्यूटर का जो ब्लूटूथ ड्राइवर होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसके लिए बेसिकली आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। आप विंडो प्लस एक्स जो है प्रेस करेंगे तो आपको एक विंडो खुल कर आएगी छोटी सी, और यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डिवाइस मैनेजर पर। आप चाहें तो सेटिंग से भी जाकर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर कहाँ पर होता है। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। शॉर्टकट के लिए आप जो है विंडो का आइकन है और एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाता है, और सीधे जो है डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देरों में जो है डिवाइस मैनेजर आपके पीसी का ओपन होकर आ जाएगा डिवाइस मैनेजर। और यहाँ पर आपको टोटल सॉल्यूशन आज तो इस वीडियो में पूरा बता ही देना है आप लोगों को कि भाई ब्लूटूथ आपका है कहाँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ ये आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइड में एक जो है अलग से एक विंडो खुलेगी, तो आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर व्यू कीजिए, व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा सो हिडन डिवाइस पर करेंगे। जिन लोगों का भी ब्लूटूथ ड्राइवर शो नहीं हो रहा है उन सबका जो है शो होने लगेगा। ये काफ़ी जो है कमेंट में क्वेश्चन आए थे कि ब्लूटूथ ड्राइवर हमारा शो नहीं हो रहा है या फिर अपडेट नहीं हो रहा है, डिसेबल है तो इनेबल नहीं हो रहा है। तो आपको सिर्फ करना है इस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर मोर एक्शन पर क्लिक करना है, फिर व्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद से शो हिडन डिवाइस पर क्लिक करना है। तो ये आपको तो पता चल गया भाई कि ब्लूटूथ ड्राइवर होता कहाँ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ब्लूटूथ है इसके सामने जो है तीर बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये देखिए क्वांटम एथेरियोस ब्लूटूथ 4.1 हमारे में ऑलरेडी है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको जो है अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। इस पर जब भी आप जो है राइट क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैंने इस पर राइट क्लिक किया है तो अपडेट ड्राइवर बोल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल डिवाइस दिख रहा है तो डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपका ब्लूटूथ ड्राइवर काम नहीं कर रहा है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी मतलब सिस्टम हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 10 हो, ठीक है, तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये मैंने कर दिया इसको अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉलिंग डिवाइस। तो ये देखिए हो गया, अब मेरा यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया अनइंस्टॉल। अब हमें को करना होगा डाउनलोड ब्लूटूथ ड्राइवर किसके लिए, विंडो 10 के लिए, और यदि आपका कोई भी विंडो 8 है या फिर विंडो 7 है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरा विंडो 10 है तो मैं आपको ले आता हूँ। आपको लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे यहाँ से क्या है डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए जो है अनइंस्टॉल कर दिया है। आप भी चाहें तो अगर काम नहीं कर रहा है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद से जो है आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ बेसिकली मैंने खोला हुआ है इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ ड्राइवर फॉर विंडो 10। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दो वर्जन इसको मिले हुए हैं, जिसका 32 बाइट्स कंप्यूटर है वो ये वाला जो है डाउनलोड करेगा, इसका 64 बिट है वो ये वाला डाउनलोड करेगा। तो मेरा 64 बिट है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये जो है बोल रहा है एग्रीमेंट के लिए, इसको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और आई एक्सेप्ट टर्म एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर क्लिक मैंने किया। तो ये देखिए अब ये हमारा जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, योर फाइल डाउनलोडेड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और इस ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसका ऑनलाइन अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपको पेज दिया गया है तुरंत। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ ड्राइवर फॉर विंडो 8 के लिए शायद है, हाँ विंडो 8 के लिए,
यहाँ से आप विंडो 8 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका भी 64 बिट सिस्टम का है और 32 बिट का भी है। तो दोनों का आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर विंडो 7 के लिए भी मैंने आपके लिए विंडो खोल कर रखा हुआ हूँ कि आपको यदि विंडो 7 का जो है डाउनलोड करना है या अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यदि मान लीजिए दोस्तों कि आपको कुछ और प्रॉब्लम है ब्लूटूथ में और काम नहीं कर रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कैसे आप जो है इसको पता कर सकते हैं। तो सीधे आपको विंडो में जाइए और सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, यानी से विंडो में आपकी जो भी विंडो है उसमें सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो एक सेटिंग का विंडो खुल कर आएगा सामने। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो से अगर पूरा देखते हैं तो आपका विंडो कोई भी हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, उसमें आपको ब्लूटूथ ड्राइवर डाउनलोड करना, अनइंस्टॉल करना और जो है इंस्टॉल करना, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पता चली जाएगा। तो यहाँ देखिए ये डिवाइसेस का जो है यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं डिवाइस पे। तो बेसिकली हमने जो है इसको ये हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से खुल जाएगा। अभी देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है ऐड ए ब्लूटूथ डिवाइस। फिलहाल तो हमारे मैंने जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो हमने अनइंस्टॉल कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो इंस्टॉल भी करूँगा, तो आप पूरा वीडियो तक जो है बने रहिए। तो देखिए अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि फिक्स ब्लूटूथ कनेक्शन, रीइंस्टॉलिंग ब्लूटूथ ड्राइवर, शेयरिंग फाइल ओवर। तो ये तो काम नहीं करेगा, रीइंस्टॉलिंग बोल रहा है। तो आप यहाँ पर यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ब्लूटूथ ड्राइवर काम नहीं कर रहा या फिर जो है हमारा दिक्कत है, तो कुछ हमें पता नहीं चला, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सीधे जो है यहाँ पर फिक्स ब्लूटूथ कनेक्शन पर जो है क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट जो है एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप जो है गाइड दिया रहेगा सॉल्यूशन के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ से ये देखिए ये खुला, अब आपको बता रहा है कि भाई पहला टू रिमूव योर डिवाइस सेलेक्ट विंडो प्लस, सेटिंग में जाइए, विंडो से सेटिंग में जाइए, डिवाइस में जाइए, ब्लूटूथ और अदर डिवाइस में जाइए, और वहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले और डॉक है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका अडाप्टर है उसको रिमूव कर दीजिए। तो आप रिमूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ है जो पता चल जाएगा। उसके बाद यदि आप चाहें तो इसके नीचे जो है रीइंस्टॉल करना चाहते हैं खुद ही, यदि आपके सिस्टम में पहले से जो ब्लूटूथ डिवाइस है और आप चाहते हैं कि उसको जो है रीइंस्टॉल करें, यानी कि दूसरा जो है इंस्टॉल करें, जो नेक्स्ट अपडेट वाला जो ब्लूटूथ ड्राइवर है उसको इंस्टॉल हो जाए, यानी रीइंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन जो है क्लिक करना पड़ेगा रीइंस्टॉल करने के लिए। वो भी आपको डायरेक्ट जो है डिटेक्ट कर लेगा और आपको वेबसाइट पर ले जाएगा, और यहाँ से जो है देखिए ये जो है आपको खुल गया, हाउ टू रीइंस्टॉल ब्लूटूथ ड्राइवर पहला। तो आपको क्या करना है, सीधे इस पे माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है हाउ टू रीइंस्टॉल ब्लूटूथ ड्राइवर इन विंडो 10। देखिए आपको यहाँ पर स्टेप में यहाँ के लिखा हुआ है प्रेस विंडो प्लस एक्स एंड डिवाइस मैनेजर व्यू सो हिडन फाइल ब्लूटूथ अनइंस्टॉल, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है, डिटेक्ट हार्डवेयर चेंज करना है मॉनिटर, उसके बाद डाउनलोड करके हम चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हमारा जो डाउनलोड हो गया कि नहीं भाई। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सीधे आपको डाउनलोड बॉक्स में ले जाते हैं यहाँ से, ये हमने डाउनलोड में गए और ये हमारा जो है डाउनलोड तो हो ही गया होगा, काफ़ी समय हो गया, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो ब्लूटूथ ड्राइवर है वो इंस्टॉल होने लगेगा। आर यू श्योर वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम, ओहो इतना क्यों भाई, एक मिनट कूल डाउन रिलैक्स। तो ये देखिए आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम वर्जन, इतना तू इतना ओके यस कर देता हूँ भाई मैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऐसे बॉक्स खुल जाएगा ना आपको नेक्स्ट करते जाना है, बस कुछ करना ही नहीं है। देखिए बोल रहा है कि ये फाइल नहीं फाउंड नहीं हो रही है, इसको ओके करेंगे तो ये देखिए ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। बोल रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर पैकेज कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, द सेटअप एप्लीकेशन विल एग्जिट। बोला पहले से एप्लीकेशन है ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, नहीं है क्या है ना कि ये विंडो के साथ ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बेसिकली पुराने जो विंडो 7 विंडो 8 में है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये नया जो विंडो आजकल का आ रहा है इसमें कोई दिक्कत विशेष नहीं है। ठीक है तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर विंडो एक्स क्लिक करते हैं, डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं, डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा, उसके बाद से हम पता करेंगे कि क्या हमारा उसको तुरंत जो है सो फाइल को क्लिक करना होगा तो पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वो डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे,
मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और शो हिडन फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी विशेष कोई जो है ड्राइवर दिखा नहीं रहा है, खासकर ब्लूटूथ वाला ड्राइवर जो है नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, और एक बार फिर से जो है हम चल के देख लेते हैं हमारा ब्लूटूथ ड्राइवर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये फिर से हम इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, दोबारा हम जो है विंडो प्लस एक्स करेंगे और डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। तो डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों जैसे आप कुछ समय लेगा ओपन होने में, ओपन हुआ उसके बाद से ये देखिए हमारा जो है ब्लूटूथ आ चुका है। पहले आपने देखा था यहाँ पर नहीं था, अभी ये लेटेस्ट वाला जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप भी जो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको आपको फाइंड कहाँ मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा कहाँ पे, तो मिलेगा कहाँ पर, सेटिंग पर जाइए, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपने रखा है। मैंने जो किया यहाँ पर भी शो कर रहा है, तो अब हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं अपना शो ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह, ऐड ब्लूटूथ डिवाइस कुछ भी, मतलब हम चाहें तो यूज कर सकते हैं अब आसानी से। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली मैंने जो दोस्तों यहाँ पर बताया था आपको, तीन विंडो ड्राइवर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो 8.1 के लिए और विंडो 7 के लिए 32 बिट और 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिलहाल तो आप लोगों ने कमेंट किया था, उसके बाद मैंने बहुत कुछ जो है इस पर कवर किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि कोई दिक्कत फिर से आती है तो हमें कमेंट कीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये बताया कि कैसे आप अपने ब्लूटूथ ड्राइवर जो पहले से उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों नया ब्लूटूथ ड्राइवर कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, और उसके बाद किस अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को कैसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़रूर कमेंट करिए। यदि अभी भी आपको दिक्कत आ रही है और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।